आधा दर्जन बकरियों की असमंजस मौत। वहीं माझा गांव की कई बकरियों को सर्दी जुखाम और बुखार से पीड़ित। जिला पशु विभाग द्वारा करवाई जा रही बकरियों की जांच। जी हां, पन्ना जिले के समीप ग्राम माझा में आधा दर्जन बकरियों की अचानक मौत हो गई है एवं माझा गांव में लगभग 50 से ज्यादा बकरियां सर्दी जुखाम और बुखार से पीड़ित हैं। बकरियों को कौन सी बीमारी है इसका पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि पशु विभाग के द्वारा बकरियों की जांच कराई जा रही है। वहीं गांव वालों का कहना कि हमारी बकरियों को कुछ दिन से सर्दी जुखाम व बुखार के लक्षण आ रहे हैं और इन्हीं लक्षण के तहत असमंजस में बकरियों की मौत हो गई है। हालांकि हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, वह साधारण दवाई करके चले जाती हैं। वहीं पशु विभाग के अधिकारी का कहना है कि ये बकरियां वायरल बीमारियों से ग्रसित हैं। हालांकि हमने अपनी टीम मांझा गांव में भिजवा दी है और सभी बकरियों की जांच करवाई जा रही है। जो आर मांझा और हम इतने राहत हैं, सो हमारी बकरियों हाँ पांच गया, कुछ बीमारी को कुछ समझ में नहीं आवा, सब खत्म हो चुकी, कुछ बीमार हैं हमारी छिड़िया 17 ना। कैसे लक्षण देख रहे थे? उसकी नाक से पानी सवाल, खांसी खांसी भी उठा थे छोटी छोटी, वो बना उठे तो उसकी आवाज बंद हो जाते। डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर सुनाई नहीं देती यार, इसके इसे हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। कितनी मर गई बकरी? 5 ठग गया। क्या चाहती हैं आप? इलाज हो। इलाज चाहती हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवका। हमारी छिड़ियों को मतलब सर्दी होती है और बुखार की मतलब शिकायत है और उन्हें जो तो डॉक्टरों को दिखाया है, उन्हें इलाज भी किया मगर कोई आराम नहीं मिला और हमारे दो नंग जानवर मर चुके हैं और डॉक्टरों के मतलब कोई भी इलाज का कोई फायदा नहीं हो रहा और पैसे भी ले लेते हैं डॉक्टर घर से आके और कोई आराम नहीं मिला जानवरों को। कौन सा गाँव है और भी गाँव में कई लोगों के यहाँ? और भी गाँव में सुनने में आया है कि और भी गाँव में मतलब जानवर बीमार हुए हैं, और भी लोगों के जानवर मरे हैं और हमारे भी दो मर गए हैं और डॉक्टरों को मतलब लेके आओ तो घर पे आते हैं तो पैसे भी लेते हैं और इलाज में कोई आराम नहीं मिल रहा। डॉक्टरों ने कुछ बताया कौन सी बीमारी? बोलते हैं ये बुखार है वो बकरियों को, सर्दी की बताते हैं बस, और कुछ नहीं बताते। आपने पशु अस्पताल में संपर्क किया? जी वहाँ गए थे तो वहीं से मतलब सामने पशु अस्पताल के सामने जो डॉक्टर साहब रहते हैं उनको साथ में लेके आए थे तो उनको भी दिखाया है और यहाँ पे गल्ला मंडी में भी जो डॉक्टर हैं पशु वाले वे भी आए थे 3 दफे, वो भी देख के गए हैं जानवरों को इंजेक्शन लगाया है मगर कोई आराम नहीं मिला जानवरों को। आपका नाम? हमारा नाम राजा मोहम्मद। डॉक्टरों को भेजा था वहाँ पे, दवाइयाँ भी करवाई है, बाकी बच रही है, जो बीमारी पहले से हो गई थी तो वो खत्म हुई है 2-4, लेकिन उसमें जो है जो लक्षण मिले हैं तो वो वायरल निमोनिया के हैं, वायरल निमोनिया है, अब उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, वो कंट्रोल है स्थिति। सर जो लक्षण बताए जा रहे हैं वो कोरोना बीमारी से मिलते जुलते हैं क्या, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना जो है बकरियों से और अपने इसमें अभी ऐसा कुछ अपने यहाँ जांच में नहीं आया है और यदि ऐसा कोई आगे होता है तो जाँच भी कराई जाएगी। सर असमंजस की मौत हुई है क्या कारण होता है? बताया ना कि वायरल निमोनिया का उसका डिसीज। जो मृत बकरी है वो डाल फेंक दी गई है लेकिन लोग बाग उसको ले जा रहे हैं बनाने के लिए, उसके लिए क्या कहेंगे? अब ये तो गलत है, इनको जो कर रहे हैं इसको प्रशासन को देखना है कि ऐसा ना करें, हम लोग भी मना करते हैं जाके, और जब कोई इस तरह करता है तो भाई उसको तो रेड हैंडेड पकड़ना चाहिए। तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा जो बीमित रहते हैं पशु उनका बीमा से क्लेम हम लोग दिलाते हैं, लेकिन जो बीमित नहीं है पशु उनका ऐसा क्लेम मिलने का संभावना नहीं है। आगे ऐसी बीमारी ना फैले तो क्या उपाय किया? वो तो हम लोग टीकाकरण करवाते रहते हैं, जो लोग टीका नहीं लगवाते हैं उनको ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, तो अभी भी हमने वो उनको निर्देशित किया है कि जो स्वस्थ पशु है वहाँ पे टीका लगवाएं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।